नारद महाराज आज सॉरी पूनम काम की हो रही है लठ भाव पूनम आप देख हम प्रश्नवाचक वाक्य है ना और वो भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो बच्चों उसमें कनेक्ट का यूज करेंगे इफ का पहली बार इफ का यूज करने के जस्ट नेक्स्ट वी यूज सब्जेक्ट और नाउन और प्रोनाउन जस्ट आफ्टर इफ इफ के तुरंत बाद हम नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट को काम में लेंगे लेंगे ना तो इसको ही आस्क्ड मी इफ इफ के तुरंत बाद इसको लाइए यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इफ आई अब टेंस को पास्ट में लाओ वाज प्लेइंग प्लेइंग हॉकी हॉकी फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क कट जाएगा कुछ सौ सर क्वेश्चन मार्क क्यों हट गया क्वेश्चन मार्क इसलिए हट गया कि हम लॉग इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ड की जगह हमने प्रोनाउन को यूज किया है यहाँ दोनों में इंटरचेंज कर दिया या प्रोनाउन पहले आ गया हेल्पिंग वर्ड बाद में आ गई आते ही क्वेश्चन मार्क कट गया कुछ को करेंगे और इंट्रोगेटिव में कभी प्रश्न वाचक वाक्य लगता है क्या करूं ठीक है ना नोट कर लो तो भैया सुन पाए पढ़ते समय मूड फ्रेंड से बैठा तो डबल याद हुआ आदमी आपको डिफरेंस मार दिया याद किया हो तो कुछ चाहे तो कुछ चाहे अब ये चीज नोट हो गई ना तो Why did you? Why did you teach English? तो समझा क्या है बच्चों? क्योंकि किससे शुरू हुआ? The way से शुरू हुआ। अब देखो कि दम्मो टेस्ट में वो क्या कहती है? Why? What? Then? Who? वहर ये सारी चीजें बंदूक बच गया इसमें अपने वाइल्ड वाइल्ड इंस्ट्रो बंदूक बच वाइल्ड वाइल्ड इंस्ट्रो अब इसको को परिभाषित कर देंगे इसको इसकी परिभाषा ही हम कनेक्टर क्यों काम के लिए कनेक्टर क्यों काम में इसका अर्थ क्या है बच्चों कनेक्टर कोई भी काम नहीं लेंगे डब्ल्यू एच अपनी जगह आ जाएगा ना इफ काम में लेंगे ना दैट काम में लेंगे कुछ नहीं लेंगे समझो अब इसको चेक करेंगे कि आस्क मी व्हाई कौन प्रश्न वाचक वाक्य को हटाना है व्हाई के बाद में नाउन या प्रोनाउन लाओ Why I tense को change करो had third form of taught English मेरी दोनों बात समझ में आ गई जब तो ठीक है नहीं आगे जाना चाहो नाम ही क्या है helping verb से शुरू होने वाले वाक्यों में हम if का यूज करेंगे और WH परिवार से शुरू होने वाले वाक्यों में हम कुछ भी शुरू शामिल नहीं करेंगे कोई पूछे WH परिवार से शुरू होने वाले वाक्यों में आप कुछ भी क्यों नहीं शामिल कर रहे हो बोलते ना सर वाई वाई मैंने क्यों क्यों का मतलब क्यों बताए इसलिए
नहीं लगाएंगे समझ कर पे आए चाहे परफॉर्म हो मत हो समझना तो पड़ेगा समझना तो पड़ेगा। असल की वाक्य अच्छी तरह से समझ में आ गए थे शायद। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं जो दो टाइप के होते हैं, डब्ल्यूएच से शुरू होने वाले और हैप्पी वर्ब से शुरू होने वाले। डब्ल्यूएच का मतलब वाई, वाई वाले क्यों इसलिए कनेक्टर काम में क्यों देंगे, और हेल्पिंग वर्ब मींस इफ का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे इफ का। और प्रश्नवाचक वाक्य को हटाने के लिए हम इफ के तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन को ले आएंगे और डब्ल्यूएच के तुरंत बाद फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन या नाउन या प्रोनाउन है उसको ले आएंगे। ठीक है क्या? He said to me, "Will a shop read newspaper?" समाजी में तो हम किसको शुरू हुआ बच्चों? हेल्पिंग वर्ब से। तो हम कनेक्ट किसको ले आएंगे? इसको। भाई अशोक है हाँ? तो चेंज करो। He asked me if I thought टेंस में चेंज करो बोल दे रे न्यूज पेपर फुल स्टॉप लगा दोगे तो अगला जीरो देगा। क्या देगा? जीरो। तो कितने सेंटेंस हो गए हमारे दो? कौन कौन से? टोटल कितने होते हैं? पांच। तीसरा कौन सा है? इंपेरेटिव। व्हिच? इंपेरेटिव। समझे बात? कोई मार्क आ रहा है?
उनका अनुवाद है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य। सो ACORFIPL, एल को हटा दू, आई पी कर दू, आईपीएल को साथ में दिन में 20 बार नाम लो, आईपीएल आईपीएल आईपीएल, ऐसे वाक्य। और आईपी का बोध करवाते हैं, बोध करवाते हैं वो वाक्य, वो वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये सब रेस्टोरेंट बच्चों का कॉर्स आईपी ए मिल्स एडवाइस, सी मिल्स कमांड, ओ मिल्स ऑर्डर, आर मिल्स रिक्वेस्ट, एफ मिल्स फॉरबिड, आई मिल्स इनवाइटेड, इनवाइट, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। ऐसे वाक्य जो एडवाइस, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, फॉरबिड, इनवाइट और प्रोहिबिशन का बोध करवाते हैं वो वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। बेटा देखना, प्लीज गिव मी योर क्या इसलिए ये वाक्य क्या कहलाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। क्या अर्थ निकला इसमें? रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, गो आउट। क्या अर्थ निकला? तो ये वाक्य क्या हो गया? और क्या बन गए? हो गया ना? इस चीज को नोट करो ताकि जीवन में ये याद रहे कि इंपेरेटिव क्या चीज है, इंपेरेटिव क्या चीज है। भगवान ने पक्की बात की है, भगवान को भाव है ऐसा हो गया। गॉर्फ आई पी प्लस टू कनेक्टर कौन काम करेगा? इंपेरेटिव सेंटेंस टू काम करेगा ना, तो इफ काम करेगा ना दैट काम करेगा, क्योंकि सेंटेंस ही चेंज हो गया तो हम भी चेंज हो जाएंगे। सेंटेंस के अकॉर्ड तो चलना पड़ेगा। मास्क लगाओगे मैडम? ये कह रहे हो कि जो से पूरा हो तो तीन का पड़ेगा दे रहे हैं यार, आप बात ही है हमारा तो हमारा लड़की आवाज में समझ नहीं बनते माला में मेरे धीरे धीरे बोला मैं नींद आ रही हूँ। धीरे तो कुमार हुआ धीरे 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 बैठा ही है आपको बस में बैठा रहा बस
ब्रेक करा कर नहीं और वो लगातार एक स्पीड में चल रही है तो अपन 5 मिनट में लगे और वह ब्रेक कर आपको याद रखनी है इसको उदाहरण नहीं दे रहा हूँ उदाहरण इसलिए नहीं दे रहा हूँ उदाहरण तो अब हूँ आपको शाम को रोटी खा के सो गए ना आपको अब और फाइल भी तो अलग हो जाएगा अब उदाहरण अलग हो जाएगा सर ये वाक्य कौन सा है मैं तो समझ नहीं है तो समझ में तब आएगा ना जब आप और फाइल भी याद रख रहे हैं क्या याद कर रहे हैं आप और फाइल भी आईपीएल तो है ही आप थोड़ा एल में छोड़ दे अकोर्फ को अलग से याद अकोर्फ एक दवाई का नाम है लेकिन हमने ये फॉर्मूला इसलिए बनाया है ताकि बच्चे इंपेरेटिव सेंटेंस को इजी वे में समझ सके एफ ऑफ सी फॉर ओ फॉर आर फॉर एफ फॉर फॉर बिग फॉर बिग फॉर आई फॉर पी फॉर प्रोहिबिट तो जिन वाक्यों का अर्थ ये निकलता है वो वाक्य इंपेरेटिव वाक्य होते हैं प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर ऑर्डर ऑल स्टूडेंट सागर कमांड अटैक द एनिमी और दुश्मन आ गया अटैक करो ऑर्डर आपको मत छुपो फॉरवर्ड फॉरवर्ड का मतलब ही मना करना होता है बिजली के तार में मत छुओ फॉरवर्ड आग में मत खेलो फॉरवर्ड पानी में मत नहाओ फॉरवर्ड तो ऐसे वाक्य जिनका अर्थ एडवाइस ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट फॉरवर्ड ये दो अर्थ निकालते हैं उन वाक्यों को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं ठीक है भैया बहुत है यार और नरेशन पूरा जिस दिन हो जाएंगे तो गर्म तो ये रचित टॉपिक है ये याद हो जाएगा तो टेंस वेंस एक्सप्रेशन